नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ साथ ही आज की बड़ी खबर में आपको बताऊंगा कि अगला हफ्ता क्यों कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और किस तरह का संकेत यहाँ से ये दोनों ही पार्टियाँ अपने कार्यकर्ता, नेता और आम जनता को देने की कोशिश करेगी। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों से। और राजस्थान की पहली खबर सितंबर महीने में मानसून की मेहरबानी को लेकर है। दरअसल इस बार मानसून राजस्थान में सितंबर में एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, और मानसून की झमाझम बारिश के चलते कई जलाशय और बांध लबालब भर गए हैं। बांसवाड़ा का माही डैम, कोटा का चंबल बांध और सुमेरपुर का जवाई बांध का अब गेट भी खोलना पड़ गया है, क्योंकि पानी का जल स्तर को मेंटेन रखना है और निचले इलाकों में इसके चलते पानी भरता जा रहा है। 4 से 6 गेट इन तीनों ही बड़े बांधों के खोले गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक इसी तरह से अच्छी खासी बारिश की भी एक बार से फिर से चेतावनी दी है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। राजस्थान की दूसरी खबर राजनीति से है। दरअसल 23 तारीख को राहुल गांधी जयपुर आएंगे, जबकि 25 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी का जयपुर में कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी 4 साल बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में आकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, और मौका है बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्रा की समाप्ति का। इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है, जबकि राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि वे जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के बनने वाले नए दफ्तर का शिलान्यास करेंगे, और इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने भी इसे लेकर जबरदस्त तैयारियां कर ली है, और एक बड़ी जनसभा का भी कांग्रेस की तरफ से आयोजन किया जाएगा। तीसरी खबर राजस्थान की बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर है। दरअसल बीजेपी इस वक्त परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों का मन टटोलने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। हालांकि राजस्थान के किसी भी बड़े नेता को इसमें बड़ा चेहरा बनाकर परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व या कमान नहीं सौंपी गई है, तो ऐसे में केंद्रीय नेता और अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि, बीजेपी के जो अच्छे खासे चेहरे हैं, स्टार प्रचारक हैं, वे आकर इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज 12 इलाके में गुजरात के सीएम वहाँ पर भूपेंद्र पटेल आज मौजूद थे, और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की है। इसी तरह से कई और केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में इस परिवर्तन यात्रा में भाग ले रहे हैं। राजस्थान की अगली खबर ईआरसीपी को लेकर है। दरअसल ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट 13 जिलों के लिए, यानी कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए सबसे बड़ी सिंचाई और पेयजल की परियोजना है। अब इसे लेकर पीसीसी 5 दिनों तक अपनी बड़ी समर्थन यात्रा निकालेगी, और इस समर्थन यात्रा के जरिए जन आशीर्वाद यात्रा इसे नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरी यात्रा का नेतृत्व करेंगे, और इसके जरिए बीजेपी के खिलाफ इन पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में कांग्रेस अच्छा खासा माहौल बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस तो शुरू से आरोप लगाती रही है कि बीजेपी ने ईआरसीपी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा तक नहीं दिया, जबकि केंद्र में जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान से हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसे राष्ट्रीय परियोजना बनाने का भरोसा दिया था, बावजूद इसके इस योजना को अभी तक आगे नहीं बढ़ा रही, और कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में अपने स्तर पर जैसे तैसे इसे पूरा करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। आखिरी खबर अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट की है। दरअसल एक के बाद एक अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट लगातार पोस्टपोन होती जा रही है, और अब नई तारीख आया है। बुधवार दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर इस कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया जाएगा, और कहा जा रहा है कि उद्योगों के साथ साथ कई और योजनाओं से जुड़ी बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे सकते हैं अपनी इस कैबिनेट की बैठक के जरिए। इसके अलावा अनौपचारिक रूप से कैबिनेट के साथियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और सरकार के विजन 2030 के लेकर जो डॉक्यूमेंट पेश किया जाना है इस महीने की आखिर में, उसे लेकर भी चर्चा करेंगे। आज की बड़ी खबर में हम बात करते हैं राजनीति की, और राजनीति भी इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। दरअसल अब तक बात चाहे कांग्रेस की जाए या मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की, सभी अपने अपने तरीके से इस चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसके अलावा अपने लिए जन समर्थन जुटाकर जनता का मन टटोलने के लिए वे जनता के बीच में भी जा रहे हैं, लेकिन
ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में अगला हफ्ता कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाला है। अहम इस लिहाज से क्योंकि दोनों ही पार्टियां जयपुर में बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता शामिल होंगे। शुरुआत में हम बात करते हैं सबसे पहले 23 सितंबर की। 23 सितंबर को राहुल गांधी जयपुर आएंगे, उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान के जयपुर में ही मौजूद होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने लिए राजस्थान में एक बड़ा और भव्य हाईटेक मुख्यालय बनाने जा रही है। इसका शिलान्यास करने के लिए ही ये दोनों नेता आ रहे हैं और इस दौरान कांग्रेस की ओर से एक बड़ी जनसभा भी रखी जाएगी जयपुर के में मानसरोवर इलाके में। कहा जा रहा है कि यह पूरी बड़ी जनसभा होगी क्योंकि मानसरोवर इलाके में ही कांग्रेस का यह नया हाईटेक दफ्तर भी बनेगा। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी इस जनसभा के माध्यम से, राहुल गांधी की इस यात्रा के माध्यम से चुनावों का आधिकारिक रूप से शंखनाद करने वाली है। तो कांग्रेस के नेता इसे लेकर खासे उत्साहित हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासा और पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी लेते हुए आज कई कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। खुद गोविंद सिंह डोटासा आज मानसरोवर इलाके में उस जगह पर गए जहां पर कि शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके बाद उन्होंने वहां पर मौजूद अधिकारियों से भी बातचीत की और उन्हें बताया कि किस तरह की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, कितनी भीड़ आएगी और सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाने का दावा कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए करने वाली है। क्योंकि अच्छी तरह से जानती है राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और सत्ता में वापसी का वह लगातार दावा कर रही है। तो ऐसे में अब माहौल बनाने का वक्त है क्योंकि योजनाएं बन चुकी है, उन्हें लागू किया जा चुका है, सरकार अपने लेवल पर कई विकास कार्य कर चुकी है और सौगातें भी जनता को दे चुकी है। लेकिन अब जनता के बीच जाकर उन्हें बताना होगा कि हमने क्या किया और इससे बेहतर मौका चुनाव प्रचार का शायद कांग्रेस को नहीं मिलेगा और यही कारण है कि इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस खासी उत्साहित है। अब बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की। बीजेपी भी अपने परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों का मन टटोलने की पूरे राजस्थान में कोशिश कर रही है और राजस्थान के चार अलग अलग दिशाओं से बीजेपी ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 8,500 किलोमीटर की यह परिवर्तन यात्रा निकाली। लेकिन अब इस परिवर्तन यात्रा की समाप्ति का भी वक्त आ गया है क्योंकि करीब एक महीने तक बीजेपी की पूरी यात्रा चल रही थी। 20 से 22 दिन तक की यह पूरी यात्रा कही जा रही है और इस दौरान चारों दिशाओं से निकली यात्रा जयपुर में आकर खत्म होगी और 25 सितंबर को इसकी तारीख तय की गई है। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी को उस दिन जयपुर बुलाया है। पीएम नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा और इस जनसभा के माध्यम से बीजेपी राजस्थान में चुनावी शंखनाद करेगी क्योंकि अब चुनाव के लिए अधिसूचना बहुत जल्दी जारी होने वाली है। ऐसे में बीजेपी भी जानती है कि उसके लिए इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान का चुनाव, क्योंकि राजस्थान की वैसे भी परंपरा रही है एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक बार बीजेपी में। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि इस बार सत्ता में उसकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है आने की और यही कारण है कि पीएम मोदी के जरिए वह जनता के मन को बदलने की कोशिश करेगी अपने पक्ष में और यही कारण है कि करीब 4 से 5 लाख लोगों को जयपुर लाने का बीजेपी ने टारगेट भी फिक्स किया है। करीब 4 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी की जयपुर में यह कोई बड़ी जनसभा होगी बीजेपी के लिए और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता अब इस कार्यक्रम के सफलता के लिए पुरजोर तैयारी में जुट गए हैं। अब इन दोनों कार्यक्रमों को यदि मिलाकर देख लिया जाए तो एक चीज़ साफ नज़र आती है कि कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता थे उन्होंने अपनी ओर से पूरा दमखम लगा लिया है अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, जनता का मन भी टटोल लिया, मतदाताओं की नब्ज भी पकड़ने की कोशिश की है। ऐसे में अब केंद्रीय नेताओं के वे भरोसे है कि किस तरह का माहौल उन्हें शुरुआत में तैयार करके देते हैं ताकि उसी के आधार पर वे आगे बढ़ सकें। राहुल गांधी भी राजस्थान सरकार की ओर से कई और बड़ी योजनाओं की बात कर सकते हैं कि सरकार ने किस तरह से उनके लिए काम किया और यदि फिर से कांग्रेस की राजस्थान में सरकार सत्ता आती है, सरकार बनती है तो किस तरह का विजन कांग्रेस जनता के लिए लेकर चलेगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को तो बताएंगे ही, साथ ही गहलोत सरकार की विफलताओं को लेकर भी जैसा कि वे लगातार बयान देते आते हैं उसी तरह की बातचीत करते नजर आएंगे। और इस दौरान इतना भी तय है कि राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया रहेगा और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेताओं को अब इंतज़ार है इन दोनों बड़ी जनसभाओं का, क्योंकि एक बार यदि यह जनसभा हो जाती है तो उसके बाद टिकट वितरण का
कार्य भी दोनों पार्टियों में शुरू हो जाएगा। वैसे भी कांग्रेस कह चुकी है इस बार करीब 2 महीने पहले वह चुनावों के अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी इसी इंतजार में है कि कब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा खत्म हो और उसके बाद टिकट वितरण का कार्य शुरू हो जाए, क्योंकि जब तक टिकट वितरण नहीं होगा या नई पहली सूची नहीं आ जाती तब तक कार्यकर्ताओं में भी पशुपेश की स्थिति होगी कि वे क्या उन्हें टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यदि वे दमखम लगाना अभी से शुरू करें तो कितना उनके लिए अभी मुश्किल हो जाएगा टिकट लेना, या नेताओं के खाली चक्कर लगाते हुए टिकट मांग करना, अपनी जनता को कुछ देर के लिए छोड़ देना टिकट वितरण के चलते, वहाँ पूरा फोकस नहीं कर पाना। तो दोनों पार्टी के ही नेताओं में इस चीज़ को लेकर जबरदस्त कश्मकश है और यही चाहते हैं कि 23 और 25 तारीख एक बार किसी तरह दोनों पार्टियों में अच्छा खासे संकेत के साथ ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद जो टिकट वितरण का कार्य फिर से शुरू होगा उसके आधार पर पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। इस दौरान राजस्थान के दो बड़े नेता भी नेताओं की किस्मत का भी फैसला होना है ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल 25 तारीख की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से यदि संकेत दिया जाता है कि वसुंधरा राजे की चुनाव में बड़ी भूमिका किस तरह से होगी, तो बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरह से अंतरकलह की बात सामने आती है, जिस तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी से अलग थलग या कहते हैं कि इस बार उन्हें कमान नहीं दी गई है, तो क्या 25 तारीख की जनसभा में उन्हें कोई बड़ा अहम पद देने या कई उनकी चुनाव में भूमिका तय करने की बात पीएम कहते नजर आते हैं? इस पर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं की नज़र रहेगी। वहीं कांग्रेस के लिए भी 23 तारीख का दिन ऐसे ही किसी बड़े फैसले का है, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में स्टार प्रचारक तो बना दिए गए हैं, लेकिन राजनीति में अब राजस्थान की राजनीति में उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वे फिर से उसी दमखम के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे जैसा कि साल 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले वे सक्रिय नजर आते थे? इसका फैसला भी राहुल गांधी द्वारा संकेतों के जरिए अपने कार्यक्रम में 23 सितंबर को देने की कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस खास तौर पर पायलट समर्थक जो नेता हैं वे भी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि वसुंधरा राजे और सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा संकेत दोनों ही पार्टी की ओर से देने की बात सामने आ रही है। हालांकि दोनों ही पार्टी के हाईकमान क्या इसे लेकर कोई बड़ा संकेत देने की कोशिश करेंगे, इस वक्त इस मामले को छेड़ा जाना फिर से सही होगा, इसका आकलन अपने स्तर पर सभी पार्टी के कार्य बड़े नेता कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इन दोनों नेताओं के बिना दोनों ही पार्टियां बहुत कुछ तरीके से यदि देखा जाए तो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में नज़र नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों का अपना वोट बैंक है, दोनों के अपने फैन फॉलोइंग है, दोनों की अपनी जनता को आकर्षित करने के लिए स्टाइल है, तो इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बात तो साफ है, न तो कांग्रेस में सचिन पायलट को नज़रअंदाज किया जा सकता है, न बीजेपी में वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा इनका राजनीतिक भविष्य, और क्या 23 और 25 सितंबर की सभाओं के जरिए पार्टी के दोनों ही पार्टी के बड़े नेता इन्हें लेकर कोई बड़ा संकेत देने की कोशिश करेंगे या ऐलान करने की कोशिश करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। क्योंकि इसके बाद एक बार यदि टिकट वितरण शुरू हो जाता है तो चुनाव प्रचार में सभी नेताओं को जुट जाना होगा, उसके बाद काफ़ी मुश्किल हो जाती है इस तरह के चीज़ों को टैकल करना, क्योंकि जनता के बीच में जाने का वक्त धीरे धीरे अब और कम होता जा रहा है। लोगों को जल्दी से जल्दी जनता तक पहुंचना है, अपनी पार्टी की बात रखनी है, माहौल तैयार करना है चुनाव का। तो ऐसे में यही देखना होगा कि 23 और 25 तारीख की कांग्रेस और बीजेपी की जनसभा में किस तरह का संकेत दिया जाने की कोशिश होगी, और इन दोनों ही पार्टियों द्वारा इन दोनों ही बड़ी सभाओं के माध्यम से कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके मतदाताओं को लुभाया जाएगा।